हाय गाइस, अंडा पिंपल्स की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ज़िवोनिक्स की एक हेडफोन की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने वाले हैं। मैंने ज़िवोनिक्स की तरफ से आने वाली और भी कई चीज़ों की, जैसे कि पावर बैंक्स और स्पीकर्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो ऊपर आप वो आई बटन से उन्हें देख सकते हैं। अब विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऑल्दो ये एक रिव्यू यूनिट है, मेरी वीडियो बिल्कुल अनबायस होने वाली है। बॉक्स कुछ इस प्रकार की आती है एंड यहाँ पर पीछे में हेडफोन्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसकी प्राइसिंग अराउंड 999 रुपीस है, बट मैंने इसे अमेजोन पे अराउंड 500 टू 600 में बिकते हुए देखा है। अब बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले ये हेडफोन्स आते हैं, जिसको हम लोग एक बार साइड में रख देते हैं। फिर इसमें आपको एक कॉर्ड मिलती है जो आपको हेडफोन्स पर कनेक्ट करनी पड़ेगी उसे यूज करने के लिए। इस कॉर्ड की 3.5 mm वाली पिन गोल्ड प्लेटेड है, जो कि अच्छी बात है। बीच में एक सिंगल बटन रिमोट विथ माइक मिल जाती है। वायर ऑल्दो फ्लैट स्टाइल्ड है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। हेडफोन्स एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन के साथ आते हैं। ये इंटायरली प्लास्टिक बिल्ड है, बट हेडबैंड एक सॉफ्ट मैट फिनिश के साथ दी गई है। ये हेडफोन्स फोल्डेबल भी हैं, तो कैरी करने में थोड़ी ईजी हो जाती है। हेडफोन्स यूज़ करने के लिए आपको वायर को इस प्रकार इसी 3.5 mm जैक में इंसर्ट कर देना है। ये कोई ब्लूटूथ हेडफोन्स नहीं है, एक्सटर्नल वायर इसलिए दी गई है बिकॉज अगर आप गलती से कभी भी वायर्स को ख़राब कर देते हैं तो आपको पूरी हेडफोन्स बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली न्यू वायर्स फिट करके हेडफोन्स को फिर से यूज़ कर सकते हैं। हेडफोन की बैंड लेंथ आप चेंज कर सकते हो सो डैट यू गेट योर डिज़ायर्ड फिट। अंदर की तरफ एक ब्रेडेड वायर दी गई है ताकि बैंड साइज चेंज करते समय गलती से कट नहीं जाए। साइड की तरफ ज़िवोनिक्स की एक ब्रांडिंग दी गई है, उसके नीचे हेडफोन की हाउसिंग है जो कि मेटल लगती है बट अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक ही है। ईयर कुशंस की क्वालिटी प्राइसिंग के हिसाब से ठीक थी, ये काफ़ी सॉफ्ट थे एंड कानों में दर्द नहीं करते थे। कम्फर्ट की बात करें तो ये हेड पे मेरे को थोड़ी सी टाइट लगी। टाइट होने के कारण पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन तो अच्छा हो जाता है, बट कुछ देर यूज़ करने के बाद डेफिनेटली अनकम्फर्टेबल लगती थी। अब साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये हेडफोन्स में 40 mm की ड्राइवर्स दी गई है, तो बेस प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ठाक थी। ट्रेबल एंड वोकल मेरे को इतने पसंद नहीं आए, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी इतनी खास नहीं लगी, बट इसकी प्राइसिंग इतनी कम है कि वी डेफिनेटली कैन नॉट कंप्लेन अलॉट। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में नंबर वन, ये फोल्डेबल हेडफोन्स हैं विच मेक्स इट ईजी टू कैरी अराउंड। नंबर टू, इसकी वायर डिटैचेबल है, तो अगर आप एक बार ख़राब कर देते हैं इसकी वायर्स को तो आपको पूरी हेडफोन्स बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर थ्री, ये 40 mm ड्राइवर्स के साथ आती है तो बेस अच्छी मिलेगी। नंबर फोर, इसकी ईयर कुशंस प्राइसिंग के हिसाब से अच्छी दी गई है। लास्टली, ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है एंड वो सॉफ्ट रबराइज्ड फिनिश इसे एक प्रीमियम लुक देती है। कॉन्स की बात करें तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन यूजेज के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। मेरे को इसकी साउंड क्वालिटी इतनी पसंद नहीं आई, बट फॉर अ प्राइस ऑफ ₹500 to ₹600 इट्स मैनेजेबल। नंबर थ्री, इसमें लेफ्ट या राइट हाउसिंग कौन सी है उसका कोई मार्किंग नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। लास्टली, ऑल्दो ये देखने में काफ़ी अच्छी है, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। ओवरऑल अगर आपको 500 टू 600 रुपीज़ के प्राइसिंग में ये हेडफोन्स मिल रहे हैं देन उस प्राइस पे ये काफ़ी अच्छे हैं। आई थिंक यू विल डेफिनेटली नॉट बी डिसअपॉइंटेड, बट 700 से ऊपर अगर मिलते हैं तो उसमें और भी कई ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो उसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अनरैप पिंपल्स।